भाई जिस तरह से बिग बॉस की गेम आगे बढ़ते जा रही है उसी तरह से सलमान खान भी थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस टफ टफ पूछना शुरू कर चुके हैं। वीकेंड के वॉर पे छोटी छोटी बात को लेकर के वो एक बड़ा उसे मुद्दा बना रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, यानी कि कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि भाई आपने इस बात पर ये जवाब क्यों नहीं दिया या इस बात पर आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको पता है कि पवित्र पुनिया ने क्या किया? पवित्र पुनिया ने जिस तरह से जो है एजाज के साथ गालियाँ दी, कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का मारा, उनके साथ कोनी टच हुई, सब बातें। अब कल सलमान खान इस बात को लेकर के पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन्होंने जो है जासमिन से पूछा, रूबीना से पूछा, सबसे पूछा। सब ने अपने अपने तरीके के जवाब भी दिए। रूबीना ने बेस्ट रिप्लाई दिया कि देखिए मेरे मैं जो जासमिन ने बेस्ट रिप्लाई दिया कि देखिए मैंने तो समझाया भी, लेकिन पवित्र पुनिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तो इसे मार ही नहीं रही थी, मुझे में इतनी होश है कि मारूँ या नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट रिप्लाई जो दिया वो दिया राहुल वैद्या ने। राहुल वैद्या ने कहा कि सर मैं तो तंग आ गया हूँ, सुबह ये दोनों लड़ जाते हैं, 2 दिन बाद ये फिर दोस्त बन जाते हैं, इनकी प्यार वाली बातें शुरू हो जाती हैं, नेक्स्ट डे ये फिर वही लड़ेंगे, फिर इनकी वही जो है प्यार वाली बातें शुरू हो जाएगी। तो सर ये बातें जो है अब हमको सीरियस नहीं लगती, और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे तो नहीं, और मैं इनकी इन बेतुकी बातों में पड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए मैंने जो है इसमें आकर के कुछ नहीं कहा ना ही ज़रूरी समझा। पहले ये जो रिप्लाई सलमान खान को मिला मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट रिप्लाई था। और सलमान खान ने भी यही कहा कि जी हाँ, लोगों को कहीं ना कहीं अब ये लगना भी शुरू हो चुका है। और उन्होंने राहुल वैद्य के लिए भी यही कहा, राहुल वैद्य आप जो है अपनी गेम इस हफ्ते काफ़ी अच्छा आपने खेला, जो कि उन्होंने निकी तंबोली के साथ किया। उन्होंने झपटा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और निकी तंबोली वहाँ पर गलत थी कि वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खेले राहुल वैद्य। तो आप क्या सहमत हैं? आपको भी लगता है कि इस तरह से अगर फाइट होती है राहुल की, एजाज की और पवित्रा की, तो दूर ही रहना चाहिए? और क्या आप राहुल के इस रिप्लाई से सहमत करते हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।